अजीब शक्तिशाली खिलौने जो अविश्वसनीय हैं। आज हमारी लिस्ट में हैं कुछ अजीबो गरीब अविश्वसनीय शक्तिशाली खिलौने जिन्हें देखकर आपका मन भी मचल जाएगा और आपका मन भी बच्चा होकर उनको पाने के लिए जिद करने लगेगा। जरा रुकिए दोस्तों, यह खिलौने तो बड़ों के लिए भी हैं। आप लोग भी इन खिलौनों का मजा ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को रोमांचित बना सकते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, अपने दिल को थाम कर बैठिए और इस वीडियो का मजा लीजिए। नंबर एक, प्रोबोट UL-19। हर इंसान चाहता है, चाहे वह बच्चा हो चाहे जवान, कि उसकी एक रिमोट कंट्रोल बोट हो जिसको अपने तरीके से चला सके, उड़ा सके, जैसा चाहे वैसा कर सके। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, अब यह सपने मुमकिन है। इस रोबोट UL-19 टीम के साथ 30 इंच लंबी चमचमाती हुई ब्रशलेस हाइड्रोप्लेन जो आपके सपनों की उड़ान को और भी ऊंचा कर देती है। इसमें टर्बाइन हाउसिंग या रियर स्पाइलर नहीं है। शुक्र कीजिए इस 6 पोल वाटर कूल मोटर का और 120 ASE का, जिससे इस बोट की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जा सकती है। कमी A1 वाटरप्रूफ कैमरे की। बस एक वाटरप्रूफ कैमरा इसके ऊपर लगा दीजिए और आप बन जाएंगे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, क्योंकि यह जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है बोट की, यह काफी है एक मगरमच्छ का पीछा करने के लिए। दोस्तों, यह अविश्वसनीय बोट एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड खिलौनों में से एक है जो कि बहुत स्मूथली 90 डिग्री एंगल का टर्न ले सकते हैं और यही बात इस मॉडल को जबरदस्त बनाती है। यह डॉल्फिन जेट एक बहुत ही शानदार और रफ्तार भरा रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसे बनाया है RC कंपनी ने। देखने में शायद दोस्तों यह एक छोटा सा खिलौना ही लगे, पर यह एयरक्राफ्ट एक सोफिस्टिकेटेड मिनी मॉडल है जिसे बनाने में बहुत सारी मेहनत और जरूरी स्किल्स लगी हैं। इसकी 22 किलो की बॉडी बनी है बासला मोड से किसी कोटिंग मटेरियल के साथ। इसकी एरोडायनेमिक शेप का मल्टी सरोज की वजह से हवा में करतब दिखाना मुमकिन है। तो तैयार हो जाइए इस एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान भरने के लिए। नंबर 3, बुशमास्टर 8E। यह बहुत ही लाजवाब शानदार डिजाइन की कार है जो बनी है एक खतरनाक माहौल के लिए। इसे बनाया है थंडर टाइगर ने। इसकी स्पीड इसकी सबसे बड़ी खूबी है। शुक्र है इसके बुश मास्टर 18 इलेक्ट्रिक बगी का और बढ़िया शॉक ऑब्जर्वर्स का, जिसकी वजह से यह किसी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से और तेजी से चल सकती है। इसकी बॉडी बनी है मजबूत और कम वजनी मेटल चेसिस से, तो घबराइए मत, यह गाड़ी किन्हीं भी हालातों में टूटेगी नहीं, ना ही इसे किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा। इसके हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स और लिथियम बैटरी इसकी उम्र को और भी बढ़ा देती है। मुझे तो यह गाड़ी बहुत पसंद है दोस्तों, क्या आपको पसंद आई? मेरे साथ रेस लगाना पसंद करेंगे? नंबर 4, टोयोटा हिलक्स। यह एडवेंचर्स कार ओरिजिनल टोयोटा हिल्स की ट्रू कॉपी है, पर साइज में यह उसकी 1/12 है। यह सोफिस्टिकेटेड टॉय कार ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए कमाल की है। प्यारी टोयोटा में है जबरदस्त सस्पेंशन सिस्टम अगले और पिछले दोनों व्हील्स के लिए। यह कार हमारी जिज्ञासा को और भी बढ़ा देती है क्योंकि इसके अंदर है जबरदस्त सस्पेंशन, वाटरप्रूफ बैटरी, सुरक्षित ट्रांसमिशन और सबसे बड़ी बात इसकी तेज रफ्तार। इसकी बैटरी दूसरी और लिथियम बैटरीज के मुकाबले काफी सुरक्षित है क्योंकि यह यूज करती है सोफिस्टिकेटेड कूलिंग प्रोसेस जो इसकी बैटरी लंबे समय तक चलती है। और इसका वजन 1 किलो है और इसे पावर मिलती है एक ब्रश्ड मोटर से, इसी वजह से यह मॉडल बिल्कुल असली लगता है और आप मंत्रमुग्ध हुए बगैर रह नहीं सकते। नंबर 5, RC किंग टाइगर। यह एक कॉपी है जर्मन के भारी भरकम टैंक की। खिलौना होने की वजह से यह साइज में उससे बहुत छोटा है, मगर यह आगे पीछे हो सकता है बहुत स्पीड से और टर्न तो इसका देखने लायक होता है। बहुत ही पावरफुल तरीके से होता है इसका टर्न दोस्तों।
टैरोट को रोटेट कर सकते हैं। इसकी 88 mm की गन ऊपर नीचे हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि यह किंग टाइगर बहुत ही पावरफुल टैंक था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में यूज हुआ था। इसके दूसरे वर्जन भी उपलब्ध हैं 4-channel रेडियो कंट्रोल सिस्टम में। वैसे तो ये टैंक चलता है 7.2 की निकेट बैटरी से, पर इसकी आवाज आपको असली टैंक की याद दिला देगी दोस्तों। तो दोस्तों, है ना सारे के सारे टॉयज यूनिक और अविश्वसनीय। मन ललचा रहा है ना, याद आ रहा है ना बचपन के वो दिन जिसमें अपनी अलग ही दुनिया होती थी, बस हम और हमारे दोस्त और हमारे खिलौने और किसी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा खिलौना आपको सबसे जबरदस्त लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिल पाए सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।